बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल्स हम अपने न्यूमेरिकल सीरीज में कर रहे हैं। न्यूमेरिकल सीरीज स्टार्ट करवाने का मकसद ये है कि बहुत सारे बच्चों को न्यूमेरिकल्स एक चैलेंजिंग, एक अनसॉल्वेबल और एक बड़ा ही तंग करने वाला प्रोसेस लगता है। उन्हें ये नहीं समझ आती कि सर इसमें ये गिवन में जो वैल्यूज है ये कहाँ से आई, सर ये टू फाइंड हमने यही क्यों लिखा, सर यही वाला फॉर्मूला हमने क्यों यूज़ किया, कोई दूसरा क्यों नहीं यूज़ किया। तो इन सभी क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हमने अपनी ये न्यूमेरिकल सीरीज स्टार्ट की है। इसमें हम बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से न्यूमेरिकल को एक आसान अंदाज में समझाएंगे। तो बच्चों, आज हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 12.4 है। इसकी स्टेटमेंट मैं रीड कर रहा हूँ। कह रहा है कि डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजिशन आर इज इक्वल्स टू 4i हैट प्लस 3j हैट मीटर्स में, कॉज्ड बाय अ पॉइंट चार्ज क्यू इज इक्वल्स टू 5×10⁻⁶ कूलम प्लेस्ड एट ओरिजिन। कह रहा है कि हमारे पास एक चार्ज है 5×10⁻⁶ कूलम का और उसको हमने ओरिजिन पे रखा हुआ है। हमने 4i हैट प्लस 3j हैट मीटर्स दूर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड आउट करना है। एक चार्ज 5×10⁻⁶ कूलम का हमने ओरिजिन पे रखा हुआ है, हमने 4i हैट प्लस 3j हैट मीटर दूर ओरिजिन से, इतनी दूर ये पोजीशन दी हुई है हमें उसकी, 4i हैट प्लस 3j हैट ये हमारे पास उसकी पोजीशन है, इतनी दूर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड उसका जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो अभी गिवन की चीज़ें हम यहाँ पे लिखते हैं। हमारे पास सबसे पहले पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है और ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, 4i हैट प्लस 3j हैट मीटर्स में। पोजीशन वेक्टर डिस्टेंस के लिए होता है तो डिस्टेंस का यूनिट इसके साथ यूज होगा। उसके बाद हमारे पास चार्ज दिया हुआ है 5×10⁻⁶ कूलम का। इसके साथ साथ हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे एट दैट पॉइंट, तो उसमें कूलम कांस्टेंट यूज होगा, तो वो भी मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ, 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। अब बच्चों, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है उसकी वेक्टर फॉर्म में, वो हमारे पास है के क्यू ओवर आर स्क्वेयर एंड आर हैट। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ। देखें, यहाँ पे हमारे पास ये के की वैल्यू हम यहाँ से यूज करेंगे, क्यू की वैल्यू हम यहाँ से यूज करेंगे, लेकिन ये आर हैट और आर स्क्वेयर इनकी वैल्यूज हम यहाँ इस वैक्टर से निकालेंगे। ये आर हैट एक यूनिट वैक्टर है और यूनिट वैक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि यूनिट वैक्टर किसके बराबर होता है, वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। और ये आर स्क्वायर में ये जो आर है ये इस आर पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो सबसे पहले हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा हुआ है कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एक्सिस में जो उसकी वैल्यू है उसका स्क्वायर प्लस वाई एक्सिस वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस जी एक्सिस वाली वैल्यू का स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में ये आई हैट एक्स एक्सिस के लिए है, जे हैट वाई एक्सिस के लिए है, के हैट हमारा जी एक्सिस के लिए होगा। तो यहाँ पे ये 4 है एक्स एक्सिस में, 3 है वाई एक्सिस में और जी एक्सिस में कोई भी नहीं है, तो इसलिए हम सिर्फ इन दोनों को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब बच्चों, यहाँ पे हमारे पास जो है इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 16 प्लस 9 बन जाएगा जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 25 होता है और इसका आंसर हमारे पास 5 बचेगा। तो हमारे पास इस आर पोजिशन वैक्टर की मैग्नीट्यूड 5 आ गई। इसके बाद हम अब इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे, तो यूनिट वेक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। वेक्टर हमारे पास ये दिया हुआ है 4i हैट प्लस 3j हैट और हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड 5 आया, तो ये हमारे पास ये r हैट की वैल्यू आ गई 4i हैट प्लस 3j हैट ओवर 5। अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, तो यहाँ पे इन इक्वेशन 1 हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो E इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास, K की जगह पे उसकी वैल्यू लगाते हैं 9×10⁻⁹, Q की जगह पे उसकी वैल्यू लगाते हैं जो कि हमारे पास है 5×10⁻⁶। उसके बाद हमारे पास नीचे R की वैल्यू जो है वो हम लगाते हैं, वो 5 आया है उसका मैग्नीट्यूड, ये हमने निकाला है तो यहाँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा। R हैट की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे पड़ी हुई है तो ये हम 4i हैट प्लस 3j हैट इधर लगा देंगे डिवाइडेड बाय 5। मजीद इसको हम सॉल्व करें तो जब आप इस पूरी साइड को कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करोगे, ऊपर वाली साइड को, सिर्फ ऊपर वाली साइड को आप कैलकुलेटर पर अलग सॉल्व कर लें
और नीचे वाली साइड को अलग सोल्व कर लें। ऊपर वाली साइड को जब आप कैलकुलेटर के ऊपर सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर बचेगा 45,000। नीचे आप जरा गौर करें तो ये 5 का स्क्वायर है जो कि 25 होता है, और हमारे पास एक 5 ये भी है, तो इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ हमारे 4i हैट प्लस 3j हैट बचेगा। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करवाएंगे कैलकुलेटर के ऊपर अगेन, तो आपके पास आंसर आएगा 360 इंटू 4i हैट प्लस 3j हैट। 360 को अंदर जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 1440i हैट, 1440i हैट। जब 360 को 3 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो हमारे पास आंसर 1080j हैट, और ये हमारे पास न्यूटन पर कूलंब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट होता है। तो बच्चों ये हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है। तो बच्चों आप लोगों ने देखा ये न्यूमेरिकल कितना आसान था, आप लोगों को सिंपली ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, और ये वाले बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े थे वो आपके अगर रिवाइज हैं तो हम ये काम बड़े आसानी से साथ कर सकते हैं। उसके बाद जस्ट वैल्यूज पुट करनी है एंड देन आपकी कैलकुलेशन है। तो आई होप सो आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा। अगर आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर करें ताकि उन्हें भी ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प हो।